हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज चैप्टर वन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर 18 आपके सामने है और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, और अगर उसको मैं क्या कह दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको मैं इसके पहले लेक्चर में बताया हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे तो प्लीज जाकर उस लेक्चर को देखिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। ओके, तो आज मुझे इस लेक्चर में बात करना है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर से निकल के आएगा, यानी कि इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट देखना है कि कब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल कब स्टेबल होता है, कब इलेक्ट्रिक डायपोल अनस्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल कब स्टेबल होता है, कब इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल नहीं होता है, उस पर टॉर्क कब लगता है, कब टॉर्क नहीं लगता है, टॉर्क और एंगल थीटा के बीच का वेरिएशन क्या होता है, उसके बीच का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आज आपका इस लेक्चर में क्लियर होगा। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड, लर्न द होल कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको इस चैनल पर क्या होता है, फिजिक्स के कंटेंट बिल्कुल फील के साथ मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्या करिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, क्योंकि जिससे अगर आप सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल के एक मेंबर हो जाएंगे, एक सदस्य हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, अपने सदस्य का ख्याल रखेंगे, यानी कि जितना भी लेक्चर होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर में कोई दिक्कत होता है, कभी भी जितना भी लेक्चर मैंने डिलीवर कर दिया है, अगर उस लेक्चर में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का वहां पर लिंक दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होगा, आपके दिमाग में कोई भी बर्डन होता है तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी, कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी करते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट, बात करना है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा सा मैं पहले समझाता हूं टॉर्क का मतलब क्या होता है। जैसे पेन है, ये पेन है, तो अगर इस पेन पर आप ऐसे फोर्स बीच में लगा दिए, देखिए ये डिंग डिंग करके जा रहा है ना ऐसे, तो यानी कि देखो ये मूव कर रहा है, सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर इस पर क्या करिए, आप इधर से फोर्स लगाओ, तो अब ये क्या ऐसे बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो योर आंसर इज नो, ये अब मूव नहीं करता, ये क्या करता है, रोटेट करता है। आपके पास दरवाजा है, डोर है, सपोज दैट इस तरीके से आपके पास डोर है, आप अगर यहां पे कॉर्नर पे फोर्स लगा देंगे, अगर इस जगह पे कॉर्नर पे फोर्स ऐसे लगा दिए सपोज दैट इस तरीके से, तो आपका डोर क्या हो जाता है, खुलता हुआ चला जाता है, यानी कि दरवाजा खुल जाता है। तो ये जो फोर्स है जो बॉडी को रोटेट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, कोई नया नाम नहीं है, टॉर्क। क्या बोला मैं, टॉर्क, देख रहे हैं ना, इसी को सपोज करिए, यहां पे देखो फोर्स लगाया मैं, लेकिन अब यहां पे जो लगा रहा, देखो यहां पे भी फोर्स उतना ही लगाया जा रहा है, लेकिन अब ये बॉडी क्या होगा, सीधे नहीं मूव करेगा, बॉडी क्या करेगी, इसे रोटेट करेगी। तो जो ये फोर्स लग रहा है ये, और जिस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, वही होता है आपका टॉर्क। समझ में आई बात, तो टॉर्क का फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को, इस फिगर को एनालाइज करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि यहां पे फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बन रहा होगा। ओके, सो स्टूडेंट, हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं,
एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है जिसके पास चार्ज माइनस क्यू और प्लस यू है, और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2L है। समझिए ध्यान से, ये हमारा क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल होगी, देखो ऐसे पैरेलल जा रही है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इसका चार्ज जो सेपरेशन है यानी कि डायपोल में चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस हो कितना है 2L है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंटम कितना है वेक्टर पी है, उसका डायरेक्शन किधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, ऐसे इस तरीके से रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बात समझ में आ रहा है? यस। तो अब क्या करना है, अब सपोज कर लो कि जो डायपोल रखा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। मानिए सपोज के लिए बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो यहां से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, थीटा, सॉरी कितने एंगल पर रखा गया है, थीटा एंगल पे रखा गया है। तो अब आपको पता कि अगर कोई भी चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इतना बात तो आपको जरूर पता होगा कि अगर कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाता है। समझ में आई बात, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को भी आज आप लोगों को समझ लेना है। ओके, देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसे होता है, प्लस से माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किधर होता है, प्लस से माइनस क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती है, माइनस में क्या करती है जाती है, टर्मिनेट होती है यहां से निगेटिव में होती है, और ओरिजिनेट कहां से होती है, प्लस निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकल के माइनस में अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके, तो अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर वो उसमें प्लस क्यू चार्ज रखा है तो प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगता है वो एफ इक्वल टू क्यू ही होता है, लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, फिर से देखिए ध्यान से, हमने कहा कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अगर जो माइनस चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट क्यू ई, क्योंकि चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये डायपोल हमारा ऐसे था, क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, माइनस क्यू क्या लग रहा है इधर, तो आप दिमाग में रखो कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है, इस तरफ लगता है। ओके, तो देखो ये डायपोल हमारा इधर मान लीजिए था, अब एक फोर्स उधर खींच रहा है और एक फोर्स इधर खींच रहा है, दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स क्या है, देखो ध्यान से, दोनों फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो उनका सेम है, मैग्नीट्यूड क्या उनका सेम है, मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो सेम है, लेकिन ये डायरेक्शन की बात कर दूं मैं, डायरेक्शन की, तो उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और यहीं से तो बनता है टॉर्क, यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा रॉड हो, एक फोर्स इधर लग रहा हो और एक फोर्स इधर लग रहा हो, कि टॉर्क बनाता है कि नहीं बनाता है, क्लास 11 का टॉपिक है, टॉर्क बनाता है कि नहीं बनाता है, ऑब्वियसली टॉर्क बन गया, एक फोर्स इधर हो गया, एक फोर्स इधर हो गया, ठीक है, और उनका डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इसका मतलब ये बना लिया टॉर्क। टॉर्क क्या कर रहा है, देखो टॉर्क जो बन रहा है, टॉर्क क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे लाने का प्रयास करेगा, ठीक है, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा गया था तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो इसको सोचेगा कि लाओ इसको मैं स्टेबल कर दूं, जो इस तरीके से बना है डायपोल हमारा, ये क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए, इस तरह से स्टेबल होने का प्रयास करेगा डायपोल, और किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले आप समझिए ध्यान से, इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, टॉर्क। एक टॉर्क का काम क्या है, टॉर्क का काम ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को तुम ऐसे रोटेट करो जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ठीक है। तो अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, उनके बीच का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रयास कर रहा हूं, तो एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर, तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही इतना होगा,
तो इसको सपोज कर लो एक्स, ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा कल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनियस क्या है, टू एल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जो वैल्यू हो गया वो टू एल साइन थीटा हो गया, एक्स कल टू कितना हो गया, टू एल साइन थीटा, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, देखो एक इधर और एक इधर, दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, कितना है, टू एल साइन थीटा। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे, टाउ का सिंबल होता है टू, टाउ जिसको बोलते हैं, ये हो गया। अब फोर्स कितना है, क्यू ई, दोनों फोर्स नहीं रखना, सिर्फ एक फोर्स का बल रखो बस, दोनों में से एक फोर्स का क्यू ई है, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, टू एल साइन थीटा, टू एल साइन थीटा, क्यू इंटू टू एल साथ कर दो, क्यू इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा, ये क्या है, पी ई साइन थीटा। अब आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, टो कल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यहां पे जो टाउ होता है आपको पता है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, ये सब आपको बात पता है कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू, तो इतना बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो टाउ होता है वो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के परपेंडिकुलर होता है, ये सब बात आपको बताया गया होगा क्लास 11, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आया, टॉर्क टो कल टू क्या हो गया, पीई साइन थीटा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है तो उसमें जो टॉर्क लगता है, टॉर्क टो कल टू हो जाता है पीई साइन थीटा। अब यहां पर कुछ स्पेशल केस की बात मैं करूंगा, यहां पर कुछ स्पेशल केस की बात मैं करूंगा, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं, इतना पहले नोट कर लीजिए, ओके। तो देखिए यहां से कुछ मैं केस दिखा रहा हूं, नाउ सपोज दैट, मैं केस समझ ले रहा हूं, मान लीजिए केस वन ये है कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरीके से नहीं रखा गया है, वो ऐसे रखा गया है इस तरीके से, मतलब कोई एंगल ही नहीं बनाया, तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, पैरेलल रखा गया हो, किसके पैरेलल, पैरेलल मतलब जान रहे हैं ना, ऐसे रखा गया हो, तो यहां पे जो डायपोल मोमेंटम वो ई के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा, ठीक है ना, तो थीटा कर्व जीरो हो गया, जब थीटा कर्व जीरो हो गया, टॉर्क टो कर्व क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। केस टू, केस टू में क्या सपोज करिए, अगर थीटा कर्व 180 हो जाए तो टो कर्व क्या हो जाएगा, पीई, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो टो कर्व क्या हो गया, तो कर्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो और थर्ड केस में क्या बता रहा हूं, इसी समझिए ध्यान से, केस थर्ड, इसका फील्ड देखो ध्यान से, इसका फील्ड टॉर्क, मैं कह रहा हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर रखा गया हो 90 डिग्री, मतलब ऐसे रखा गया हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1 न्यूटन पर कूलम हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम होता है, यहां पे चेक करते हैं क्या होता है, पी इंटू 1 sin 90, तो कर लू कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1 1 1 पी हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनेशन पूछता है, ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हैं आप कि अगर किसी डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हो और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हो तो उसका जो डायपोल मोमेंटम होता है वो एक्चुअली में टॉर्क के इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको नोट रखिएगा, ठीक है, और सुनो डाउन इट, ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट,
ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बिटवीन टॉर्क टू एंड थीटा, टाउ एंड थीटा के बीच क्या ग्राफ ड्रा करना है। तो आपको ये पता है कि टो कल टू होता है पीई साइन थीटा। तो मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं ये हमारा एंगल थीटा हो गया, टॉर्क टो हो गया। अच्छा, तो थीटा होता है, थीटा के लिए देखो वैल्यू ऐसे होता है 0 to 90, 90 to 180, ऐसे बढ़ता जाता है। ओके, तो जब 0 डिग्री पे था टॉर्क, देखो ये थीटा की वैल्यू है, ये टॉर्क है, टॉर्क पहले क्या होगा 0, फिर इंक्रीज करता हुआ जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम बिकॉज आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब साइन 90 मैक्सिमम, तो अब्सोल्युटली टॉर्क भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अब जैसे जैसे एंगल जाता है तो एंगल तो बढ़ता रहता है भाई, लेकिन टॉर्क क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से इंक्रीज कर रहा है ये, लेकिन अब यहां से जब आगे जाता तो क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जो हमारा थीटा तो बढ़ता जाता है, लेकिन जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और 90 पे क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो यहां पे 0, यहां पे 30, यहां पे 60, यहां पे 90, यहां पे क्या हो गया 120, यहां पे क्या 180। तो ये देखिए इसका वैल्यू इंक्रीज करता है कब तक, 90 तक। और 90 से पहुंचता है, 90 पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है। तो ग्राफ बिटवीन टो वर्सेस टाउ वर्सेस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टाउ वर्सेस थीटा के बीच का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि 90 पे मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल तो बढ़ता रहता है, बढ़ता भी रहा है, लेकिन टाउ क्या हो जाएगा डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और 180 पे फिर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका ग्राफ बिटवीन टाउ एंड थीटा। ओके, तो मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं और कुछ बात, इसको इरेज कर देते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, इसको इरेज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक चीज होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए आपका डायपोल इक्विलिब्रियम में है, आपका डायपोल कैसा है इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम में तब बोला जाता है उसको, जब उस पर कोई टॉर्क न लगे। क्या मैं बोलूंगा, अ डायपोल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज सेड टू बी इन, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इफ टो कल टू जीरो, तो दो कंडीशन में आ रहा था, टो कल टू कितना जीरो कब रहा था, कब कब, जब एक बार थीटा कल टू जीरो, एक बार का थीटा कल टू 180 डिग्री। तो दो कंडीशन था मैंने कहा था। तो उसी प्रकार से इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है आपका स्टेबल और सेकंड होता है अनस्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब थीटा कल टू जीरो डिग्री, और अनस्टेबल क्या होगा, जब थीटा कल टू 180 डिग्री। स्टेबल देखो कैसे होगा, इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप क्या करें डायपोल को कुछ इस तरीके से रख दो, इधर माइनस की उधर क्या रहेगा प्लस की, देख रहे हैं ना, ये वेक्टर पी, ये ई हो गया, तो यानी कि पी और ई क्या है पैरेलल है।
तो उनकी बेसिक एंगल क्या होगा, जीरो, तो स्टेबल की कहानी हो गई। और सेकंड होता है अनस्टेबल, यानी कि डायपोल हमारा जो ऐसे था ऐसे कर दो, इसमें माइनस क्यों, इसमें क्या आ गया प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या है वेक्टर। तो ये जो बनाया मैंने ये स्टेबल वाला होता है और ये अनस्टेबल। तो आपको बातों क्यों क्या लर्न करना है कि कोई भी डायपोल इक्विलिब्रियम में तब बोल जाता है अ डायपोल इज सेड एंड डायपोल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो टॉर्क ऑन इट। टू टाइप्स का होगा, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। बिकॉज टॉर्क तभी लगता है जब दो कंडीशन में, सिर्फ एक जीरो पे और एक 180 पे। ये हमारा स्टेबल हो गया और ये क्या हो गया पूरा का पूरा अनस्टेबल। तो आई थिंक मुझे समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो टेल मी, कॉन्टेक्ट मी, और मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, आप करने में कितना टाइम लगता है। ओके, सो थैंक यू।